पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने कानपुर पहुंचे पूर्व दस्यु सरगना मलखान सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को लेकर उनका खून खौल रहा है। उनका कहना था कि अगर सरकार इजाज़त देती है तो उनके 700 बागी जो अभी बचे हैं वो अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से लड़ेंगे। एमपी में 700 बागी बचे हैं। आज अगर मेरी जरूरत पड़े, शासन चाहे तो बिना शर्त बिना वेतन के लिखा लिया जाए कि मारे जाएं तो कोई जुर्म नहीं, और मैं बॉर्डर पे अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। बचा हुआ जीवन हम अपने लगाने को तैयार हैं। अगर कोई पीछे हट जाए तो मलखान सिंह नहीं। कितने मारेंगे वो तो वक्त बताएगा। कोई अनाड़ी नहीं है मलखान सिंह, कोई कथा नहीं। वहां चित्रे 15 साल चम्बल घाटी पे, वो तो जो होगा सो फैसला होगा, अकेले पीछे नहीं हटेगा। स्कीम बहुत मलखान सिंह की टॉप रहेगी, वो कायम रहेगी। वो हो सकता कि बाल बांका भी नहीं होगा, ना होंगे होते रहेंगे। वो तो आज नहीं होगा तो 6 महीने के बाद होंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब इसमें होना चाहिए फैसला। जब तक ये कश्मीर का फैसला सही नहीं होगा तब तक आप विश्वास रखो, कोई अब विश्वास नहीं करेगा राजनीति में।